अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है उसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा चुका है और अभी चिन्यालीसूर करके जो आपका यहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लैंड करेगा। उनसे लगातार उनसे बात हो रही, जैसे कल भाई आपको मैंने ब्रीफ किया था, दो पाइप है, एक से फूड भेजा जा रहा है और एक से ऑक्सीजन लगातार पंप की जा रही है और उसी से बीच में हम लोग ने टाइमिंग दिया हुआ है, फूड भेजा जाता है और हम बात भी करते रहते हैं। तीसरा प्लान हमारा ऑलरेडी कार्यान्वित है, उसके बाद चौथा प्लान हम सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। कोई समय सीमा दे सकते हैं सर? समय सीमा देखिए बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। ये जो आपदा है जो आप लोग चिंतित है पिछले तीन दिन से, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए, एक के बाद एक कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि जो नेचर ऑफ यहाँ का रॉक है बड़ा फ्रेजाइल है, हम जितनी कोशिश करते हैं उतना बाहर आता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अटल ढंग से उसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की टेक्निक यूज की जाए। अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है उसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा चुका है और अभी चिन्यालीसूर करके जो आपका यहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लैंड करेगा एनी टाइम इन अनदर वन आवर। उसके बाद में वो तीन एयरक्राफ्ट हमने लिए हैं, वो सारा हमको इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं हम उस पर ऑलरेडी हमारा काम चल चुका है। 800 mm की हम जो डाया का जो हमारा MS पाइप होता है उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। तो वो जैसी आ जाती है अगले एक डेढ़ घंटे में, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में हम अपना पूरा मशीन को इंस्टॉल कर लेंगे और काम चालू कर देंगे। तो तब तक आप धैर्य रखिए। देखिए मलबा जो था पहले दिन जो था करीब 21 मीटर हम लोग अंदर गए थे, लेकिन क्या होता है जितना हम अंदर जाते हैं उसको छेड़ते हैं बहुत फ्रेजाइल है, वापस उतना ही आ जाता है। तो मलबा कितना निकला अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमको ब्रेक थ्रू करना है थ्रू MS स्टील पाइप, तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 2 से 3 मीटर हम अंदर जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये मशीन आएगी इसका रेट ऑफ जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कम से कम 5 से 4 मीटर एक घंटे में करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमें 50 मीटर जाना है तो 10 से 12 घंटे हम चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन दिस इज टेंटेटिव क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर हमारी कौन सी मशीन फंसी हुई है, कौन से रॉड्स आए हैं, तो वो सब नेगोशिएट करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। हमसे लगातार उनसे बात हो रही, जैसे कल भाई आपको मैंने ब्रीफ किया था, दो पाइप है, एक से फूड भेजा जा रहा है और एक से ऑक्सीजन लगातार पंप की जा रही है और उसी से बीच में हम लोग ने टाइमिंग दिया हुआ है, फूड भेजा जाता है और हम बात भी करते रहते हैं। हम ना कि उनके गाँव वालों से बात करा रहे हैं, हम खुद अधिकारी, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंडी जो है हम उनसे बात कर रहे हैं, कोई उड़ीसा के हैं, कोई यहाँ के हैं, तो हम उनसे लगातार कॉन्टैक्ट करेंगे। मजदूर आपकी मदद करना चाहते हो, कहते हैं हम मशीन चला सकते हैं, आप उनकी मदद नहीं? वो सारे देखिए इसीलिए हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते क्योंकि अंदर बड़ी लिमिटेड जगह है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। कल ऐसा हुआ था कि जब हम काम कर रहे थे अचानक से एक तरह से सारा मलबा गिरने लगा, एक दो को इंजरी भी हो सकती थी, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम जो काम कर रहे वही रहे, क्योंकि सारे चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि मदद करें, हम चाहते हैं सब करें, लेकिन लिमिटेड जगह है तो लिमिटेड लोग वहाँ पर। बैकअप ऑलरेडी तैयार था? नहीं, देखिए जो भी था हमारे पास यहाँ पर था, स्टेट गवर्नमेंट हमें मदद कर रही है, उनकी हमने मदद लेके ये किया, लेकिन दूसरी मशीन जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो यहाँ पर नहीं थी और वो बहुत हैवी मशीन है, 25 टन की मशीन है जिसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। सर इनके अगर ये प्लान फेल होता है उसके बाद भी हमारा बिल्कुल, उसके बाद तीसरा प्लान हमारा ऑलरेडी कार्यान्वित है, उसके बाद चौथा प्लान हम सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। कोई समय सीमा दे सकते हैं सर? समय सीमा देखिए बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। बिल्कुल देखिए हम खुद उनके परिवार के हैं, हम खुद उस प्रांत से हैं, हमें समझ में आता है और आपको ये लग रहा होगा हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितने मेरे भाई हैं कोई अगर आप पूछिए 2 से 3 घंटा आराम कर नहीं पा रहा है, सबकी मेंटल स्थिति जितनी वहाँ पर खराब है वहाँ इतनी भी है, सब स्ट्रेस में, सब चाहते हैं जितने जल्दी हमारे भाई बंधु बाहर आ जाए। तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ऑलरेडी उनसे बात की है और हमने बोला है कि हम जो भी काम कर रहे बिना उनकी मदद के नहीं कर सकते, वही मजदूर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो एक बात हमने उनसे की, बार बार हमको वही उनसे गुजारिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो आके अभी हमारी मदद करने को तैयार है।